फिर एक बार दोस्तों आपको जिला चित्रकूट के एयरपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है, क्योंकि मैंने पिछले साल एक वीडियो बना करके आपको अवेलेबल करा दिया था, लेकिन उस समय बंद रहा था, फ्लाइटें आ जा नहीं रही थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको फ्लाइटें मिलने की संभावना है, चल भी रही हैं। तो आज इस वीडियो में दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ पर कितना किराया है, इसके बाद क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटी हो गई हैं और क्या क्या बदलाव हुआ, वो उसी सारी जानकारी को आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं और आपको फुल डिटेल साथ दिखाते हैं। अभी हम हैं देवांगना घाटी में, ये घाटी देवांगना ही घाटी है। इसी घाटी में आपको आना भी है सावधानी से, मैंने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, और प्लस में आपको किस प्रकार से आना है वो भी आप लेना देखो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लेंगे। मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ये केवल इम्पॉर्टेंट वीडियो है, केवल वहीं पर वीडियो बनाऊंगा। चल चलते हैं और आपको फिर बता दूँगा। पिछली बार आए थे दोस्तों तो हमें उस साइड जाना था और उस साइड से हमने आपको बताया है, तो इस बार आपको क्या करना है कि आपको आना है, ये लिखा हुआ है चित्रकूट हवाई अड्डे का रास्ता, तो आपको ऐसे देवांगना घाटी रास्ता चढ़ना है और ऐसे ही आपको ऊपर चढ़े जाना है, ठीक है। तो जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ या दिखाया हूँ वो अब रूट नहीं है, रूट एकदम चेंज हो गया है, तो चलो मैं ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये चित्रकूट हवाई अड्डा है। पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो इस वाले रास्ते से आया था, लेकिन ये पूरा इंटरलॉकिंग हो गया है, तो इस वाले रास्ते से अब नहीं आना है आपको, जो मैं आपको दिखाया हूँ उसी रास्ते से आना है। और सेम ऐसे जाएंगे, आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा, वहीं पर आपको टिकट कटा लेना है और आप उड़ जाना है, बुकिंग भी होती है। तो देखते हैं, अंदर जाने का तो डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं यदि जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो कट करेंगे।